पंक्ति में पहुंच गए। उस अंतिम पंक्ति से आगे लाने के लिए उस युवा शक्ति की ही जरूरत है। युवा शक्ति को प्रोत्साहन कैसे किया जा सकता है कि एक 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 ऐसा शब्द है नेता। नेता बनने के लिए ना तो कहीं कॉलेज बना है, ना ही कोई सोसाइटी बनी है। नेता अगर बना सकते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। वो इसलिए बना सकते हैं क्योंकि पिछले जमाने में राजा पेट से पैदा होता था, आज बोर्ड से पैदा होता है। आपको किसी को कोई एक रुपए की मुद्रा देने की जरूरत नहीं है, किसी को बहुत बड़ा सहयोग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेता को सिर्फ एक युवा को खड़ा करके अगर उसको वोट के माध्यम से सपोर्ट करते हैं तो साथ ही आपकी पावर बढ़ जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद करूंगा इस संस्था को। एक निवेदन भी करूंगा कि हमारा देश आस्था का प्रतीक है। हम लोग आस्था में भी बहुत पीछे हैं। आस्था के माध्यम से भी हमें बहुत पीछे कर दिया गया है, बहुत लूट भी लिया गया है, लेकिन हमारे आस्था के प्रेरित महाराजा दक्ष प्रजापति हैं, उनको थोड़ा सा सम्मान देने का कोशिश करें। सम्मान के साथ में अगर हमारे बैनर में उनको एक छोटी सी जगह मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसी आस्था के माध्यम से अगर आप आह्वान करेंगे हमारे समाज का तो इससे चार गुना संख्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट तो वैसे काफी सारे बताए।